आईपीएल फीवर भी डीएनए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली केकेआर ने 10 साल बाद आज आईपीएल फाइनल जीत लिया है, और इतने टाइम बाद गंभीर की वापसी हुई, और गंभीर की वापसी के साथ साथ केकेआर के पास ट्रॉफी भी आ गई है। इस पूरी कॉन्वर्सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरीके से केकेआर ने मैच जीता, किस तरीके से केकेआर की पूरी जर्नी रही आईपीएल में। हमारे साथ इस पूरी कॉन्वर्सेशन में रहेंगे राघव सर और अर्पित, और हम लोग पूरा स्कोर कार्ड भी डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब शुरुआत करते हैं अर्पित आपके साथ, आपने आज एसआरएच ली थी, तो क्या मतलब आज कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल वैसे ही परफॉर्मेंस था जैसा क्वालिफायर वन में था। एसआरएच ने बिल्कुल अपने तरीके से डिसअपॉइंट नहीं किया, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें सिनेरियो जो हमने फाइनल जिस तरीके से देखे हैं, कभी हमने देखा था कि एमआई और सीएसके का फाइनल था, लास्ट बॉल पे आपको मलिंगा ने आउट करके शार्दुल ठाकुर को से मैच चेंज कर लिया था। हमने ऐसे मतलब नेल बाइटर फिनिशेस देखे हैं, वैसा हमें पूरा प्लेऑफ में देखें तो अभी तक एक बार भी देखने को नहीं मिला। और कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस के साथ साथ जो इस बार हम देखें तो कंसिस्टेंट टीम थी केकेआर, और वो डिजर्विंग थी इसलिए जीत। कि मुझसे पूरे आईपीएल में आज फाइनल के दिन निकल रहा है पहली बार कि केकेआर डिजर्विंग थी, वरना पूरा आईपीएल हमने कवर करा है, एक भी बार अर्पित मानने को तैयार नहीं थी कि केकेआर डिजर्विंग टीम है। बट ये है कि टीम की देखिए मानता है कि टीम ने आपके मुंह से निकलवा दिया है। जी तो प्रागर सर आप बताइए कैसा आपका क्या टेक है, केकेआर ने किस यार, तरीके को देखिए मारा? मैंने लास्ट इंटरव्यू में बोला था कि अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट टीम शुड विन, और के क्या नो डाउट पूरा सीजन दे वर कंसिस्टेंट, ऐसा एक टाइम नहीं लगा कि दे वर आउट ऑफ फॉर्म या कोई एक दो प्लेयर जी उनको मैचेस जिता रहे हैं, सब परफॉर्म करते रहे एक्सेप्ट रिंकू को एक दो चांसेस मिले, बट उसमें भी ही वाज नॉट डिसअपॉइंटिंग। एंड ये अंकुरेश करके जो प्लेयर है, अंकुरेश रघुवंशी, अंकुरेश रघुवंशी, ही इज आल्सो गुड फाइंड फॉर केकेआर एंड इज अ ब्राइट फ्यूचर फॉर इंडियन क्रिकेट आल्सो। सो आई थिंक केकेआर होल्ड्स हिम वेल एंड ट्रीट्स हिम वेल एंड ट्रेन्स हिम वेल। बाकी आई इवन थिंक इवन सुरेश शर्मा इज अ ग्रेट या ही फाइंड इज अ गुड फाइंड यार, बट इसको भी चांस नहीं मिला, बट ये बिकॉज इसको ऑफ द मैच अगेंस्ट आरसीबी, या आई गेस रजत पाटीदार स्मैश गेम। या करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो बाकी आई थिंक ओवरऑल यार द बेस्ट टीम वन एंड आउट द ऑफ द मोस्ट टेन टीम कंसिस्टेंट टीम, एंड द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम, नो डाउट यार। मैं दिल्ली अगेन दिल्ली के लिए बोल नहीं सकता क्योंकि दिल्ली तो कहीं है नहीं, बट नो डाउट यार दे प्लेड द बेस्ट क्रिकेट दिस सीजन एंड दे डिजर्व टू विन यार। अर्पित पहले तो ये बताइए कि इस सीजन में केकेआर के साथ आप और किस टीम को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर एसआरएच की जगह होती तो एक बेटर फाइनल देखने को मिल अभी सकता मैं था? और राघव उस बारे में बात भी कर रहे थे कि आरसीबी या सीएसके दो ऐसी टीम्स थी जो फैन फेवरेट्स भी थी, और राइट उनका गेम सेंस भी देखे ना तो उन्होंने बड़े मैचेस नॉकआउट में आरसीबी ने नहीं जीते, लेकिन गेम खेला बहुत अच्छा है, जो उनका कमबैक भी रहा लगातार 6 विंस। और अगर हम दूसरी ओर सीएसके को देखें, आज चेन्नई में मैच होता, लास्ट मैच अगर हम देखते थे, हालांकि अगर इस सीजन हमें पता है कि वो कभी भी रिटायरमेंट ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो भी सरप्राइज नहीं होगा, ले भी लेंगे तो भी सरप्राइज नहीं होगा, इस तरीके का सिनेरियो बन चुका है। उस नजर में देखें तो आज अगर चेन्नई होती यहाँ पे और चेन्नई का एक क्राउड होता तो अलग ही फीलिंग रहती, चाहे केकेआर जीतती लेकिन मैच बहुत इंटरेस्टिंग होता। बेसिकली कम्पिटेटिव क्रिकेट मिलता है हाँ देखने राइट को, वन राइट साइडेड नहीं होता, ट्रू क्राउड को भी लाइक इट वाज लाइक 3.5 आवर्स 4 आवर्स का चला ही नहीं, मतलब आई थिंक फर्स्ट इनिंग के बाद ही बहुत लोग जो बाहर आउटिंग के लिए भी गए होंगे फैमिलीज वगैरह, बट दे वुड हैव बीन बैक होम बाय दिस टाइम। स्टिल आई तो थिंक या केकेआर वुड हैव वन दैट गेम। दे वुड, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द विन, आई एम जस्ट सेइंग लाइक इट वाज लाइक इट वाज डिसअपॉइंटिंग फॉर द फैंस एक्चुअली, राइट लाइक इट वाज संडे इवनिंग फैमिली जाते एंजॉय करते, इट वाज नॉट लाइक दैट, इन्होंने वन साइडेड कर दिया आई थिंक 1 घंटा पहले यार इन्होंने टेलीकास्ट बट खत्म कर दिया था। एक्चुअली ये सीजन केकेआर के नाम का है, क्योंकि नो डाउट केकेआर का हम अगर रिकॉर्ड देखें ना, एमआई के अगेंस्ट बहुत खराब रिकॉर्ड है केकेआर का, बट इस सीजन में केकेआर ने 2 मैचेस एमआई से लगातार जीते, बीच में एक मैच केकेआर का दूसरी टीम से था, उसके बाद वापस एमआई से मैच खेला और दोनों मैच डोमिनेट करके ही जीता है। वही एक मैच सीएसके से सिंगल मैच था, वो मैच जरूर हार गई थी केकेआर। तो मुझे लगता है कि सीएसके और केकेआर के बीच धोनी की जो टीम है वो मेरे हिसाब से नॉकआउट मैचेस में बहुत जब परफॉर्म करती है, वो ऑस्ट्रेलिया की तरह कि प्रेशर मैचेस में परफॉर्म करना आता है सीएसके को। बेसिक वही यार, मैं जैसे बोल रहा था ना, इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग प्रेशर इन दीज सिचुएशंस। राइट तो आई डोंट थिंक हैदराबाद यार, वही एक तो हम लोग अब्दुल समद का इतना बोलते रहे, और वॉशिंगटन सुंदर खेल सकता था, इम्पैक्ट में ला सकते थे, ग्लेन फिलिप्स को मौका मिल सकता था माकरम के बदले, तो देवर लॉट ऑफ थिंग्स दे कुड हैव डन, बट ठीक है दे वेंट विद द विनिंग कॉम्बिनेशन जो उनको यहाँ तक लेके आया, दे ऑल्सो ट्रस्टेड विद द सेम प्लेयर्स, सो दे ऑल्सो वॉन्टेड टू गो विद द सेम प्लेयर्स। राइट बाकी एसआरएच का मतलब अभी आप गेम सेंस भी देखे ना तो बहुत ज्यादा मिसिंग है, मतलब उनके पास एक ही गेम सेंस था कि हमें फिफ्थ गियर में खेलना आता है, या तो हम 250 पे मैच जीतेंगे वरना हम मैच और हारेंगे। एक्चुअली ये बातें लीग स्टेज के टाइम पे चल रही थी कि ऐसी टीम जो हर मैच 250 के ऊपर स्कोर करके उसको डिफेंड करने के बारे में सोच रही है, ऐसी टीम के खराब दिन आएंगे, और जब वो दिन आएंगे वो टीम फिर उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और बिल्कुल, वो दिन जो है वो प्लेऑफ्स में आए, और मेनली प्लेऑफ्स में उन्होंने इस प्लेऑफ तरीके से का रन पहले किया। भी आप एक देखेंगे आध तो उनके मैच में, मैचेस हाँ ऐसे ही एक आध रहते मैच हैं। ऐसा ही गया है, और अब फिलहाल फाइनल में ऐसा नहीं आना चाहिए था। आप केकेआर की बेंच स्ट्रेंथ देखिए,
दुश्मन चमीरा बाहर बैठे हैं, साकिब हुसैन बाहर बैठे हैं, शर्फिन रदरफोर्ड बाहर बैठे हैं, अली गजनफर एक बहुत ही बढ़िया मिस्ट्री बॉलर हैं अफगानिस्तान के, वो भी बाहर बैठे हैं। तो सकरिया भी आए थे, चेतन सकरिया बहुत ही अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छे बॉलर राजस्थान के लिए, बहुत अच्छे बॉलर हैं। और इसके राजस्थान के बाद डीसी में गए थे, वहां पे भी उनको चांसेस कम मिले बट मिले, जब मिले उनको परफॉर्म करा। एंड सेम गोज फॉर कमलेश नागरकोटी, वो डीसी से ही, अब तो खैर बाहर ही हो गए हैं आईपीएल में उनको, क्योंकि इंजरी की वजह से नहीं मिले, बट ही वाज अ वेरी, ही हैड अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अपकमिंग था वो भी आईपीएल के। बेस्ट सेंस से ज्यादा सबसे जो ग्रेटेस्ट मूव रहा इस सीजन का वो थे सुनील नारायण, जो कि अब एमवीपी भी रहेंगे पूरा अगर आप ओवरऑल आईपीएल देखें तो। किंग कोहली के बाद उनकी परफॉर्मेंस थी जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आई है, और कोहली को देखे तो बैटिंग में उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा किया, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट मिलता है उनकी बॉलिंग जो आज भी देखे, और बहुत सारे मैचेस हमने ऐसे भी कवर किए थे जिसमें एक बाउंड्री तक उन्होंने नहीं दी अपने फोर ओवर्स में। तो उस नजरिए से देखे तो सुनील नारायण का जो फैंटेसी पॉइंट परफेक्ट था, सुनील नारायण के हाईएस्ट पॉइंट्स हैं। तो सुनील नारायण ने भी इस सीजन में मुझे लगता है वो गेम चेंजर रहेगी बेसिकली केकेआर के लिए, जिस तरीके से ओपनिंग करी। और मुझे लगता है कि ये केकेआर का सीजन इसलिए था क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही थी ऑक्शन के बाद, कि केकेआर के पास जेसन रॉय चले गए थे, केकेआर के पास एक अटैकिंग ओपनर नहीं था, और साथ में अगर अटैकिंग ओपनर लेते, क्योंकि जेसन रॉय जब जाने से पहले यही बात हो रही थी कि जेसन रॉय खिलाएंगे या तो गुरबाज खिलाएंगे, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स वाली एक तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था, तो इनको एक अटैकिंग ओपनिंग बैट्समैन चाहिए था जो कि एक विकेट कीपर भी होकर। तो उसी टाइम पे जेसन रॉय ने ऑप्ट आउट करा आईपीएल से, और उनकी रिप्लेसमेंट फिल सॉल्ट आए जो कि उस टाइम पे वर्ल्ड टी20 रैंकिंग में नंबर 2 पे चल रहे थे, और उन्होंने ये गेम बदल दिया सुनील नारायण के साथ मिलकर। मुझे लगता है वो सब चीजें एकदम केकेआर के फेवर में। बात करेंगे तो 7 विंस मुझे लग रहा है कि फिल सॉल्ट और सुनील नारायण ने जिताए, और 2 विंस उसमें वेंकटेश की थी और बाकी बॉलिंग में। तो ओवरऑल जितने भी विंस देखे ना, तो मुझे लग रहा है कि आप मिडल ऑर्डर में बस वेंकटेश अय्यर के अलावा किसी ने मैच मतलब गेम चेंजिंग पारी तो कितने भी नहीं खेली थी। एमआई के अगेंस्ट मुझे याद है वो वेंकटेश अय्यर की वजह से ठीक ठाक डिसेंट टोटल में पहुंचे थे, वहां पे वो गेम चेंजर वेंकटेश अय्यर थे। और उसके अलावा मुझे लगता है प्लेऑफ्स में बहुत हद तक आप बात करेंगे मिडिल स्टार की, जिस तरीके की स्टार्टिंग पेड़ डाली अब मिडिल स्टार। और मैं यार एक और बोलूंगा, इट वॉज लाइक कम्प्लीट टीम ना, मतलब ऐसा नहीं था कि वही जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कम्प्लीट टीम, एक दो प्लेयर्स ने नहीं, जैसे आप बोल रहे हो 6-7 मैचेस उन्होंने जीता है, कम्प्लीट टीम गेम, सबने परफॉर्म किया जिस जिसको मौका मिलता गया। और यही होता है जो भी विनिंग टीम होती है ना उनका पता चल जाता है, मतलब एक दो मैचेस ठीक है हर टीम के बुरे आते हैं, बट इट वाज लाइक कंप्लीट गेम, मतलब लग रहा था कि इट वाज लाइक कंप्लीट टीम ऑन द डे, मतलब उनको हराना कंपेरेटिव एक तो क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि जो हार भी रहे थे, ऐसा नहीं था कि चलो ठीक है देवर गिविंग अप ऑन द गेम, उसमें भी वो लोग मार्जिन से हार रहे थे, देवर गिविंग देयर 100%। आप सोचिए सर, मनीष पांडे जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, उनको एक मैच पे इम्पैक्ट प्लेयर लग गया, और वो इतनी अच्छी कॉल थी क्योंकि आपके पास रमनदीप बचे थे, उस टाइम आपके पास रसल बचे थे, रिंकू आउट हुए थे, उनके बाद मनीष पांडे को बुला लिया गया था, आपको पता है कि आपके पास 2 बैट्समैन है, स्टिल आप मनीष पांडे के साथ गए, और उस एक मैच में उन्होंने प्रूव भी करा अपने आप को, बुमराह को जो छक्का मारा था लॉन्ग ऑन पे, वो जिस तरीके से वहां से मैच, मेरे को लग रहा है काफी हद तक मनीष पांडे का टर्म भी क्रिकेट में यूज की जाती है, पर्पल पैच। हाँ, तो वैसे इनके पर्पल पैच ही पर्पल ही है, तो इनका पर्पल पैच चल रहा है, और साथ में देखिए शाहरुख खान का भी पर्पल पैच ही चल रहा है, आप उनके वहां पे मूवीज अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो ये साल शाहरुख खान के लिए अच्छा होना ही था। और जिस हिसाब से अभी देखिए रिंकू सिंह का मौका ही नहीं लगा, जैसा मैं आपसे बात भी कर रहा था कि रिंकू सिंह परफॉर्मेंस की बात होगी ना, तो उनकी बारी ही नहीं है तो परफॉर्म करने का मौका कम है। ऐसा नहीं है कि यार ठीक है एक या 14 मैचेस की अगर तुम्हारी लीग है, एक मैच मिल रहा है बैट्समैन को या 2 मैचेस मिल रहे हैं, यू कांट जज अ प्लेयर अकॉर्डिंग टू दोस 1 or 2 मैचेस। लेकिन अगर आप टीम गेम की कह रहे हैं, अगर मेगा ऑप्शन होता है और 4 ही प्लेयर सीटीएन करने को होता है, तो आपको लगता है कि फिर केकेआर दोबारा, हमने बहुत कम टीम्स देखी हैं जो डिफेंड कर पाती है अपना टाइटल, अगर हम उस नजरिए से देखें तो क्या ये टीम फिर से बन सकती है जब अगर हमें सिर्फ 4 ही प्लेयर सीटीएन करने हो तो? यार ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, बट अकॉर्डिंग टू मी हाँ आई थिंक ये वो टीम नहीं है मेरे अकॉर्डिंग टू बी, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज अगर सिर्फ 4 ही रिटेन कर पाएंगे ना, तो आई थिंक ये रसल को करेंगे फिर से, नारायण को करेंगे, और बाकी 2 प्लेयर्स ये कौन से करेंगे, दैट आई थिंक विल बी कैप्टन श्रेयस अय्यर, एग्जैक्टली अय्यर को भी करेंगे, तीन तो ये हो ही गए, तो आई थिंक इनकी पूरी टीम रिशफल हो जाएगी। अब बाकी मैनेजमेंट के ऊपर है और ये बाइंग के ऊपर है कि किन प्लेयर्स को खरीदते हैं, दैट वेरी बिग एंड एक्साइटिंग थिंग टू सी इन द
रिकॉल इन द ऑक्शन नाउ. अभी देखिए ये चीज भी चल रही है कि मीटिंग चल रही है कि हो सकता है 7 प्लेयर रिटेन करने का ऑप्शन भी दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर टीम्स मांग कर रही है 7 प्लेयर रिटेन करने का. अब ऑब्वियसली पंजाब जैसी टीम नहीं चाहेगी कि आपको 7 प्लेयर रिटेन करने का मौका मिले, वरना उनके लिए मेगा ऑप्शन क्या ही है. Exactly. है ना, क्योंकि वो तो वैसे भी 2 रिटेन करेंगे. तो पंजाब जैसी दो टीम्स है जो मतलब नहीं चाह रही है कि 7 प्लेयर का ऑप्शन आए. इवन डीसी की भी बात करेंगे तो उसमें भी आपको मैगर्क और ऋषभ पंत ये दो प्लेयर्स थे जो आउटशाइन किए थे, बाकी इवन अक्षर पटेल. अक्षर पटेल इंडियन प्लेयर्स को तो भी चाहेंगे, लेकिन आप फॉरेन प्लेयर में मैगर्क के अलावा बहुत ज्यादा मैगर्क को तो नहीं छोड़े. बहुत अच्छा तो मतलब बेस्ट फाइंड फाइंड हो गया, बहुत अच्छा फाइंड. वो भी रिकी पॉन्टिंग लेके आए, उनको उन्होंने बताया भी था कि डेविड वार्नर की रिप्लेसमेंट ऑस्ट्रेलिया कंसिडर कर रही है, और वो वैसे प्लेयर है भी उतनी विस्फोटक पारी. स्कोर कार्ड जरूर देख लेते हैं, वैसे ज्यादा बहुत शॉर्ट फॉर्मेट स्कोर कार्ड होगा आज. तो आप बता दिए सनराइजर्स की किस तरीके से बैटिंग. हैदराबाद का मोबाइल नंबर था स्कोर कार्ड में, आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को नहीं मिला. टॉप ऑर्डर से ही सेम परफॉर्मेंस थी उनकी क्वालिफायर वन में, जहां पे पावर प्ले में 4 विकेट गए थे. आज भी देखे तो 3 विकेट स्कोर कार्ड में अगर हमें देखने को मिल रहे हैं, जो शुरुआत में अभिषेक शर्मा, मिचेल स्टार्क का एक और मैं कहूंगा कि बेस्ट स्पेल रहा आईपीएल 2024 का, उसमें क्वालिफायर वन का परफॉर्मेंस आता और सेकंड बेस्ट मैं कहूंगा बिल्कुल कर दिया. और उसके बाद अगर हम देखें तो आज ट्रेविस हेड, राहुल त्रिपाठी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि वो प्लेऑफ में अच्छा करते हुए आ रहे थे, लेकिन आज उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आई. आक्रम फिर से डिसअपॉइंटिंग, और हमने देखा है कि उन्होंने ऐसी T20 में 2 बार चैंपियन बनाया है, तो उस नजरिए से देखें तो वैसा कुछ भी परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी. साथ में ही हेनरिक क्लासेन भी एक जगह बात भी हम कर रहे थे राघव के साथ ही, ओवरऑल अगर आप देखें तो बेस्ट प्लेयर अगर हम ट्रेविस हेड के साथ रखेंगे तो क्लास ही नहीं रहे थे, और उनका नहीं चलना पूरा एसआरएच को डाउनफॉल में लेके आता है, क्योंकि टीम गेम जहां पर था ना, यहां पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज्यादा चल रही थी. टीम गेम तो बहुत कम हमें देखने को मिल रहा था कि 260 भी बना रहे हैं तो 240 तक लेके जा रहे हैं, 240-270 में भी वही अभिषेक ट्रेविस हेड क्लास है, तो उसके अलावा कोई था नहीं. और वो यार पूरी गेम में वही बोला था ना, सबको मालूम चल चुका था उनकी गेम. और उन्होंने प्लस आई थिंक उन्होंने वही जैसे सेमी हुई है, सेमीफाइनल में भी उन्होंने सारे ट्रम्प कार्ड्स खोल दिए, तो आई थिंक उनके पास आज कुछ था ही नहीं अलग से करने को. तो दे वर लाइक वेल इक्विप्ड, आई थिंक केकेआर वर वेल इक्विप्ड, दे वर लाइक कंप्लीट लाइक दे केम टू विन, ऐसा लगा कि दे वर देयर टू विन द गेम. वो एग्रेसिव अप्रोच जो एग्रेसिव इंटेंट पिछले सीजन तक मिसिंग था, और वो पिछले 9 सीजन से मिसिंग था, वो चंद्रकांत पंडित के आने के बाद जरूर थोड़ा एक हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन बेटर हुआ था टीम का, और अच्छे खासे बॉलर्स को भी मौका मिल रहा था, अच्छी ऑक्शन फाइनली एक क्या की अच्छी ऑक्शन गई थी. बट गौतम गंभीर के आने के बाद वो कहते हैं ना कि बिल्कुल वो फिट बैठ गया कॉम्बिनेशन. और एसआरएच के लिए ऐसा हो गया कि पिछले गेम हम स्पिन की प्रैक्टिस करके आए थे और इस बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया स्विंग एंड सीम. बट फाइनली देखिए गौतम गंभीर नॉट सो गंभीर. आज गौतम गंभीर हंसे हैं फाइनली, जो पूरे मैच में वो हमेशा आई टोल्ड लाइक ही इज अ वेरी सीरियस क्रिकेटर, मतलब ना वो अपनी इंडिया के लिए भी खेलते थे, आई थिंक वो जब स्टेट भी खेलते थे ना, तो अगर वो उनका आप देखा होगा उनके ना बहुत सारे मतलब यू कॉल इट व्हाट यू कॉल प्लेयर्स के ना वो टोटके व्हाटएवर यू कॉल इट टोटके होते, तो ही नेवर यूज्ड टू टेक आउट हिज पैड्स, आउट होके आ जाते थे, बैठे रहते थे एक ही जगह एक ही सीट पे जब तक मैच नहीं खत्म होता था. तो ही इज वेरी लाइक ही हैज दैट ब्रेन ऑल्सो यार, गंभीर के पास अलग ही ब्रेन है. और अब ये जो थर्ड टाइटल उनका हो चुका है, इससे पहले देखे तो मुंबई और चेन्नई के 5-5 टाइटल्स है, तो तीसरी ऐसी बड़ी टीम बन चुकी है. मुझे अब लगता है कि जो हम फैन फेवरेट्स कहते थे ना कि MI, CSK, RCB रहेगी, अब फोर्थ को भी आप इंक्लूड कर लीजिए. KKR का भी वो फैन बेस जो बहुत टाइम से गायब था वो अब वापस आकर वो देखने को मिलेगा. जो जो KKR के फैंस KKR के ऊपर वो था ना भरोसा जो था वो धीरे-धीरे कम हो रहा था, वापस से मुझे लग रहा है इस सीजन के बाद भरोसा बढ़ेगा. और इनफैक्ट एक चीज और है कि गौतम गंभीर की सीवी कितनी इंप्रूव हो जाएगी, 2012-2014 एज ए कैप्टन जीते, उसके बाद लखनऊ के साथ मेंटोर जुड़े, और अब यूमर्स एक हेड कोच बन सकते हैं. दोनों सीजन वो भी प्लेऑफ और केकेआर में आए, केकेआर टाइटल जीत लिया. तो ऐसा हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप में पिछली बार जो अगर हम बात करें UAE में धोनी को लेके गए थे मेंटर, क्या मैं भी बोल ही रहा था आई थिंक जाना चाहिए यार गंभीर को, बिकॉज पता है इनका एक अलग इम्पैक्ट होगा, भले ही उनको टीम मैनेजमेंट में ना मिले, बिकॉज इफ ही इज नॉट गोइंग, मैं तो कह रहा था कोच भी बना के भेज सकते थे इनको, बट आई थिंक द्रविड का अगर चल रहा है अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आई थिंक ही विल बी द नेक्स्ट रिप्लेसमेंट, बट ही शुड गो, बिकॉज द्रविड ना ही इज नॉट दैट अग्रेसिव, बट द्रविड इज अ लेजेंड नो डाउट, बट ही इज नॉट एन अग्रेसिव, आई थिंक ही इज नॉट एन अग्रेसिव कोच जो गंभीर है.
राइट, तो वो लीडरशिप क्वालिटी है, बट वो जैसे शुभमन गिल टाइप के प्लेयर है ना, जैसे शुभमन गिल हो गए, करेक्ट करेक्ट, वो उस टाइप के प्लेयर को ग्रूम करते हैं। और देखिए टीम ये जहां जाते हैं बात कर रहे थे ना, वहीं केकेआर के आप बॉलिंग विकेट्स में देख लीजिए कि वरुण चक्रवर्ती 21, हर्षित राज 19, रसल 19, सुनील नारायण 17 और फिर मिचेल स्टार्क 11। तो उसने इवन आप देखिए ना कि सबने ही विकेट्स लिए हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बॉलर विकेट ले रहा था। और आज भी आपने देखा आंद्रे रसल ने 3 विकेट्स लिए। और मिचेल स्टार्क का तो मुझे लग रहा है ये 17 विकेट तब है जब सीजन खराब और प्लेऑफ में कमबैक करा यार, तभी यार ऐसी थोड़ी 24 करोड़ रुपए का मिला है, टैलेंट है उसमें, मतलब वही था यार, शुरू में नहीं चला, मैं भी इंडियन विकेट सीजन, ऑस्ट्रेलियन, यहाँ का वेदर बहुत अलग होता है, तो बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए। वही मैं कहता हूँ ना, किसी भी प्लेयर को अगर पूरे 14 मैच कोई भी खेलेगा ना, तो तभी पता चलता है कि क्या वर्थ है किसी प्लेयर की। तो एक दो मुझे लगता है वर्थ तो 24.5 करोड़ से भी ज्यादा है जिस तरीके का आईपीएल प्लेऑफ में देखने को मिला है, क्योंकि हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियंस जो है वो नॉकआउट में परफॉर्म करते हैं। ट्रैविस हेड अब ऑस्ट्रेलियन रह गए कि नहीं वो जरूर चेक करने वाली बात है, बट मुझे लग रहा है ये सीजन मतलब बिल्कुल डोमिनेट करके केकेआर ने जीता और पहली बार इतना वन साइडेड फाइनल हमको देखने को मिला है। और एक और आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में बहुत, मतलब एक वरुण चक्रवर्ती का नाम उसमें शामिल है और आसपास और कोई नहीं है जिसमें देखे हर अगर हम देखें तो हर्षल पटेल ने पर्पल कैप जीता है और विराट कोहली ने ऑरेंज कैप जीता है, उसमें भी कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है, एक बस सुनील नारायण के रन ज्यादा है लेकिन बहुत क्लोज कोई भी नहीं है। तो ऐसा नहीं हुआ है कि एक प्लेयर ने डोमिनेट करके आपको सिर्फ परफॉर्म करके दिखा। हाँ तो वही है ना, पूरा टीम गेम है। और अब जब ये सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब सारे, जब आप क्रिकेटिंग एक्सपर्ट से बात हो रही थी तो क्रिकेट एक्सपर्ट सारे ये बोल रहे थे कि केकेआर के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक मिचेल स्टार्क एक अच्छे बॉलर है, बाकी ये जो नए बॉलर्स हैं वैभव अरोड़ा को ले लिया, हर्षित राणा, वो उतने ट्रस्ट वर्दी नहीं है, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी वो देखने वाली है। बट दोनों ने मुझे लगता है हर्षित राणा आई थिंक उसका वहीं पे टर्न अराउंड हो गया था जो उसने आई थिंक राजस्थान के साथ जब उसने डिफेंड किया था पहले मैच में उसका टर्न अराउंड था वो बॉलर का ना, ऑब्वियसली पता है बॉलर अगर तुम बॉलर हो आई थिंक 10-15 रन तक इज नॉट अ वेरी बिग थिंग टू डिफेंड, ट्रू, तो 15 रन तक कोई बॉलर आखिरी में ओवर में डिफेंड कर रहा है एंड इफ यू बॉलिंग टू अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन तो लाइक क्लासिक है, छह बॉल में दोनों सेट थे एग्जैक्टली, कहां 13 रन चाहिए 6 बॉलों में एंड फिर आखिरी के 2 बॉल में 5 रन, फिर 1 बॉल में 5 रन, वो मैच निकाल दिया। करेक्ट करेक्ट, ऐसे ना जैसे यश दयाल और हर्षित वैभव ये तीनों मुझे लग रहा है इनको अगर ग्रूम किया जाए ना दे विल बी द गुड फ्यूचर फॉर इंडियन पेसर्स यार। ऐसे यश दयाल ने भी जैसे उस आपका क्या बोलते हैं चेन्नई के साथ आपने आरसीबी के लिए 17 रन आई थिंक इज नॉट अ वेरी बिग थिंग बोलिंग टू धोनी और उसमें भी सिक्स खा लिया आपने, एग्जैक्टली पहली बार छक्का था 110 मीटर का छक्का था, हां उसके बाद आई थिंक एक दो रन बने थे 9 या 10 रन था 9 फिर 8 रन लास्ट में बिल्कुल आपने क्वालिफाई नहीं होने दिया। हां नहीं, आई वुड से कि हर्षित राणा बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं और इनको जब भी मौका मिला है वहां परफॉर्म करा है, तो मुझे लगता है हर्षित राणा का बहुत जल्दी इंडिया कॉल अप आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। बस प्रॉब्लम ये है ये भी सिर्फ 11 प्लेयर 11 ही प्लेयर्स खेल सकते हैं तो ठीक है, हमारा बेंच अच्छा हो रहा है, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड हमेशा जैसे गावस्कर सर भी कहते हैं कि हमारे पास इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है अब इंडिया में, आई थिंक एवरी वेयर यू गो एंड यू विल गेट गुड टैलेंट, तो यार वही होता है नर्चर करना इज द बिगेस्ट थिंग। एंड आई थिंक आईपीएल से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है ये, तो आई थिंक इतनी बारी बोल चुके होंगे कि इससे अच्छा टैलेंट ग्रूमिंग करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इंडिया में। बट एक बार अब लोग केकेआर का स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं अर्पित, केकेआर का स्कोर कार्ड किस तरीके से रहा, क्योंकि बहुत जल्दी मैच खत्म हो गया स्कोर कार्ड की तरफ नजर नहीं जा रही है। और केकेआर की अगर हम बात करें तो आज सबसे अच्छा परफॉर्म किया था वेंकटेश ने परफॉर्म करा, गुरबाज के साथ नारायण ओपनिंग पे उतरे थे, नारायण आए, नारायण ने कहा कि एक छक्का मार के अपना काम करके जा रहा हूँ क्योंकि पूरे सीजन मैंने ही मारे तो बाकी आप लोग भी कुछ करिए। गुरबाज का आज मौका मिला था वापस अच्छा करने का, फिल सॉल्ट की तरह की इनिंग्स में स्टार्ट करी थी, बट वही है कि सुनील नारायण का विकेट गिरने के बाद थोड़ा स्लो हो गए, बट वही गए अच्छी अच्छी इनिंग्स। अगर आप अगर टोटल गुरबाज को भी पता हो कि मुझे अगले सीजन केकेआर में तो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलनी है तो अनसोल्ड भी नहीं जाना है। और गुरबाज इस तरीके प्लेयर है ना, गुरबाज नो डाउट है अच्छा, अनसोल्ड भी जाए बट मेरे ख्याल से कोई भी टीम खरीदेगी ना, गुरबाज इज लाइक अ ट्रम्प कार्ड फॉर एनी टीम। और मोस्टली आप टीम्स देखे ना जैसे गुजरात की बात करेंगे तो उस बार मैथ्यू वेड को भी सही से नहीं खिला पाए और रिद्धिमान शाह ने भी उस तरीके से परफॉर्म किया है, तो गुरबाज एक ऐसा प्लेयर हो सकता है गुजरात के लिए, तो ऐसे कुछ टीम्स हैं जिनको अभी भी आप चाहिए। आपको ये बात पता नहीं होगी शायद कि गुरबाज जो है वो गुजरात टाइटन से ही केकेआर में आए थे, और क्योंकि उनको वहां पे प्रेफरेंस नहीं मिल रही थी, रिद्वान साहा और जैसे उन्होंने बताया वेड थे, गुरबाज को एक भी मौका नहीं मिला, उसके बाद वो आए थे केकेआर में, वो ट्रेड हुआ था उसके बाद जब लॉकी फर्ग्यूसन और गुरबाज एक साथ ही आए, और अभी आज के फर्ग्यूसन आरसीबी के लिए सब खराब कर रहे हैं और गुरबाज केकेआर के लिए सब अच्छा कर रहे हैं।
बट गुरबाज में लगता है नेक्स्ट ईयर पे अच्छा करेंगे। पांच चौके दो छक्के 121 का स्ट्राइक रेट, आज जरूरत बीतने की थी। वेंकटेश अय्यर डिफरेंट माइंडसेट के साथ आए थे, आज रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, 10 बॉलों में 40 रन मार दिए थे, बट बाद में थोड़ा स्लो हो गए, जीतने के पीछे जा रहे थे, 26 बॉलों में 52 रन। आज के मैच में भी आप सोचे 200 के स्ट्राइक रेट से, जहां पे बैट्समैन बिल्कुल समझ नहीं पा रहे कि बॉल टिप के बाद कहां जा रही है, वहां पे आज श्रेयस अय्यर फाइनली कप्तान को मतलब कहा कि आप भी कुछ मारी वारी रन आज पिछले लास्ट मतलब मुझे लग रहा था कि विनिंग रन्स मार के कुछ आइकॉनिक शॉट खेलेंगे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने स्ट्राइक देके वेंकटेश को मौका दिया कि आप विनिंग रन्स मारे, लेकिन वेंकटेश भी आइकॉनिक नहीं कर पाया, गलती से एक पास दौड़ लिया तो, बट स्टिल वही चीज है कि अच्छा परफॉर्मेंस पूरे सीजन में रहा है तो बेकार आप विनिंग रन्स तो क्या ही देखते हैं। रिंकू सिंह को आज वही है कि मौका नहीं मिला पूरे लाइमलाइट में, तो आज पूरे सीजन में मौका नहीं मिला इनको, बट पूरी टीम ने परफॉर्म करा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंडिविजुअल ने परफॉर्म करा है। तो अर्पित अब स्कोर कार्ड भी खत्म हो गया, तो मुझे लगता है कि अब लाइव सीजन भी खत्म करना चाहिए। हम लोग जरूर एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट ईयर कौन कौन सी टीमें मैच ऑप्शन में किस किस प्लेयर के साथ जा सकती हैं और क्या क्या अच्छा कर सकती हैं, और आपके साथ हम वर्ल्ड कप की पूरी कवरेज करने वाले, वर्ल्ड कप आने वाला है तो वहां पे हमारे साथ जुड़ जाएगा। बट फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आप देखते रहिए डीएनए। Thank you, Ed.